नमस्कार दोस्तों, आपका ड्रीम अप क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो आप लोग तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग संख्यांकी चैप्टर देखेंगे। संख्यांकी चैप्टर से आपके 10 नंबर का क्वेश्चन आते हैं और इससे माध्य, माध्यिका और बहुलक निकालना पूछता है। और इसमें जो आप प्रश्न आते हैं लॉन्ग टाइप में आते हैं, तो आप इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न नहीं आता है, या फिर मैथ या फिजिक्स में कहीं से भी कोई प्रश्न ऐसा है जो आपको, या कोई ऐसा थियोरी है नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट जरूर करेंगे। या डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रश्न को आप भेज सकते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि बारंबारता कैसे निकाला जाता है। यह जो प्रश्न है एग्ज़ाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न एग्ज़ाम में आते हैं, तो आइए हम निकालना सीखते हैं बहुलक। तो प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता का बंटन सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी प्रश्न लगाने से, हल करने से पहले हमें फार्मूला आना चाहिए। तो बहुलक को आपको लगाने से पहले अगर इस टाइप से कोई सारणी बना करके दिया है, तो उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला अगर इस टाइप से दे, तो आपको एक फार्मूला आना चाहिए, बारंबारता बराबर L प्लस L1 माइनस, इसको F1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F1 माइनस F0, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। यह आपको सूत्र आनी चाहिए। तो एक बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। अब आपको मैं बताऊंगा कि L क्या है, F1, F2, F0 क्या है, तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो आइए इस सारणी के माध्यम से इस फार्मूले को समझ पाएंगे। यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग अंतराल, दिया हुआ है बारंबारता। यह कब सूत्र आपका अप्लाई होगा, जब इस प्रकार से सारणी दी होगी तब। तो अब देखिएगा, हम इस प्रकार के प्रश्न को क्या करेंगे, पहले देखेंगे बारंबारता, क्या देखेंगे, बारंबारता। बारंबारता सबसे अधिक किस संख्या की है, 9 है, 9 क्या है, सबसे अधिक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वाले वर्ग अंतराल को इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा कि घेर दीजिए, क्या करेंगे, घेर देंगे। अब यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, बारंबारता हो गया वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल कौन सा हो गया, वर्ग अंतराल 55 से 70, वर्ग अंतराल क्या है, 55 से 70 है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल 55 से 70, यह हो गया। अब यहाँ पर L क्या है, जो निम्न वर्ग अंतराल है, जो निम्न वर्ग है वही क्या हो जाता है, L। तो L समझ में आ गया क्या होता है, L बराबर यहाँ पर 55 है। तो यहाँ पर यह 55 निम्न वर्ग अंतराल, तो यह 55 हो गया। अब F1 की बात करें, F1 तो जिस वर्ग अंतराल की जो बारंबारता है वही क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा। तो यहाँ पर F1 तब कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, F1 9। फिर इसके बाद क्या है, F0, F0 जस्ट इसके ऊपर की जो बारंबारता होगी वही क्या हो जाएगा, F0। तो यहाँ पर F0 इक्वल टू कितना है, 7, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। ठीक, आप बस इत्मीनान से देखिएगा, आपको एक ही जो कि वीडियो में आपको इस टाइप से अगर प्रश्न आएंगे तो आप जरूर कर ले जाएंगे। अब बात करते हैं F2 की। अब इसके नीचे क्या है, ये F1 ऊपर, F2 नीचे, तो यहाँ पर F2 बराबर कितना है, 5 है, तो हम कितना लिख देंगे, 5। अब H, H जो है यह वर्ग अंतराल के बीच कितना है गैप है, उसी को हम प्रदर्शित करते हैं H से। तो H बराबर कितना हो जाएगा, अब 70 में से 55 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 70 माइनस 55, तो आ जाएगा 5,
और यहाँ पर 6, 15, एच कितना आ गया 15। तो अब देखिए सभी मान निकल गए कि नहीं, एल बी, एफ वन, एफ टू, एफ नॉट, एच, ये सब वैल्यू हमें फाइंड हो गए। अब हम बारंबारता निकाल सकते हैं, तो बारंबारता बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं बारंबारता बराबर कितना है, अब L की वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं L कितना है, L 55 प्लस, अब यहाँ पर F1 9 माइनस F0 7, तो 7 हो जाएगा, बटे 2F1 2 गुणे 9 माइनस 7 F0 7, और F2 कितना है, F2 है 5, तो माइनस 5, और H कितना है 15। अब हम हल कर देते हैं, 55 प्लस 9 में से 7 जाएगा 2 हो जाएगा, अभी कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं, 9 दुनी 18 माइनस 7 5 12 गुणे 15, तो कितना हो जाएगा 55 प्लस 2 बटा, या कितना हो जाएगा 18 में से 12 जाएगा 6 बचेगा, तो 6 गुणे 15 द्वितीयांश 6 3 5 15, तो 55 प्लस 5 बराबर कितना आ जाएगा 60। तो इस प्रकार से इसका जो बारंबारता आ जाएगा इस प्रश्न का 60 आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया है, अगर समझ में आता है तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अब आइए हम लोग एक दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो F का मान ज्ञात कीजिए। F क्या है, बारंबारता है, तो बारंबारता हमें निकालनी है। अगर इस टाइप के प्रश्न दिए हैं जिसमें कि माध्य या समांतर माध्य दिया रहेगा और उसमें से आपको बारंबारता पूछेगा, तो यहाँ पर इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से करेंगे, इसको हम माध्य विधि से करेंगे। जैसे माध्य का फार्मूला क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, इस फार्मूले से जैसे माध्य निकालते हैं वैसे ही निकालेंगे, और इसमें जो यह लुप्त बारंबारता है F, इसी का वैल्यू हमें फाइंड करना है। ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा और इसको आप अपने से सेल्फ जो है कि रिवाइज भी करते रहिएगा। अब देखिएगा यह बारंबारता को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ आई से, लेकिन अब देखिएगा फार्मूला में एक्स आई भी है, तो हम क्या करेंगे, पहले एक्स आई फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, एक्स आई को हम फाइंड करेंगे। तो एक्स आई हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, अब यह जो वर्ग अंतराल दिया है, प्राप्तांक दिया हुआ है, इनको हम जोड़ते हैं। क्या करते हैं, निम्न वर्ग सीमा उच्च वर्ग सीमा को हम जोड़ करके दो से भाग कर देते हैं, तो 0 प्लस 10 अपान 2 कितना हो जाएगा 5, तो यही क्या हो गया इसका एक्स आई। तो इस प्रकार से जितने भी यहाँ पर दिए हैं सबका हम एक्स आई फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर 10 और 20 जोड़ेंगे 30 हो जाएगा, तो 10 प्लस 20 अपान 2 तो कितना आ जाएगा 15, और 20 प्लस 30 50, 20 प्लस 30 बटे 2 50 कितना हो जाएगा, भागे 2 करेंगे तो 25 आ जाएगा, 30 20 या 30 40 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, 30 40 बटे 2 कितना हो जाएगा 35, फिर इसके बाद 40 50 जोड़ देंगे, 40 प्लस 50 बटे 2 कितना आ जाएगा 45। तो इस प्रकार से यह एक्स आई निकालेंगे, बहुत ही आसान है। आपको इस प्रकार के प्रश्न देखिए रहेंगे तो आप एक बार देखेंगे तो पूरा लगा लेंगे। तो एक्स आई निकल गए, एफ आई निकल गए, अब हम क्या करते हैं इसको जोड़ देते हैं, तो सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई का मतलब क्या होता है, सिग्मा एफ आई का मतलब जोड़, इनका जोड़ कर देंगे हम, तो कितना है 6, एफ तो जुड़ेगा नहीं, 6 6 12, 12 10 22, 22 5 27,
और यह f बचा हुआ है तो यहाँ पर f ऐड कर देंगे, यह निकल गया। अब हम सिग्मा एफ आई निकल गया, अब हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई, क्योंकि अभी हम निकालेंगे क्या निकालेंगे, अब हमें एफ आई मिल गया एक्स आई मिल गया, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई निकाल लेते हैं। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करते हैं एफ आई इंटू एक्स आई, अब गुणा करेंगे इसका तो कितना आ जाएगा, छः पचे तीस, तो यहाँ पर हो जाएगा तीस, फिर एफ इंटू फिफ्टीन तो पंद्रह एफ ही आ जाएगा, और छः गुणे पच्चीस तो छः पचे तीस, छः दूनी बारह, बारह तीन पंद्रह, एक सौ पचास हो जाएगा। अब दस गुणे पैंतीस तो कितना हो जाएगा, तीन सौ पचास, फिर इसके बाद क्या है, पाँच गुणे पैंतालीस तो पाँच पचे पच्चीस, पाँच चौका बीस दो बाईस, यह हो गया। अब हम निकाल लेते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो अब देखिएगा हम जोड़ेंगे, पाँच हो जाएगा यहाँ पर, थोड़ा दूर लिख देते हैं, पाँच हो जाएगा। अब तीन पाँच तीन आठ, आठ पाँच तेरह, तेरह दो पंद्रह, हो जाएगा पाँच, एक हो जाएगा, तो एक एक दो, तीन दो पाँच, पाँच दो सात, तो सात सौ पचपन और बचा ही है प्लस पंद्रह एफ, तो ये क्या निकल गया, सिग्मा एफ आई और एक्स आई का मान निकल गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इस सूत्र पर रख देंगे, हमें एक्स बार दिया हुआ है, माध्यिका दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, दिया है एक्स बार बराबर पच्चीस, यह दिया है। अब हम इस फार्मूले पर सभी मानों को रख देंगे और बारंबारता आ जाएगा, तो यहाँ पर चलिए रखते हैं, तो सिग्मा एक्स बार का मान कितना है, पच्चीस बराबर सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितना है, सात सौ पचपन है, तो सात सौ पचपन रख देते हैं, सात सौ पचपन प्लस पंद्रह एफ रख दिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, सत्ताईस, सत्ताईस प्लस एफ, अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, या पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, देखिए ऊपर वाले में पाँच कामन है तो छोटा कर देंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, तो पाँच कामन है तो पाँच, यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, पाँच गुणे पाँच लिख सकते हैं, अब यहाँ पर सात सौ पचपन है तो इसको हम जब पाँच कामन ले लेंगे तो कितना बचेगा, एक, फिर तीन एक, एक सौ, क्योंकि यहाँ पर पाँच नहीं, पाँच हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि पाँच नहीं दो बचेगा, फिर पाँच पचे पच्चीस, पाँच एक कम पाँच, यह हो जाएगा प्लस तीन एफ, फिर सत्ताईस प्लस एफ, तो पाँच से पाँच एक कैंसिल हो गया, अब छोटा हो गया तो क्या लिख देंगे, पाँच बराबर पंद्रह, एक सौ इक्यावन प्लस थ्री एफ अपान सत्ताईस प्लस एफ, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो पाँच सत्ताईस प्लस एफ, एक सौ इक्यावन प्लस थ्री एफ, यह हो गया। अब हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, तो सात पचे पैंतीस, पाँच दूनी दस, दस और तीन तेरह हो जाएगा, एक सौ पैंतीस हो जाएगा प्लस पाँच एफ, और ये कितना है, एक सौ इक्यावन, तो एक पाँच एक प्लस थ्री एफ, अब एफ वाले को एक तरफ कर देते हैं और संख्या एक तरफ कर देते हैं तो फाइव एफ, और ये यहाँ पर थ्री एफ है तो इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस थ्री एफ, वन फिफ्टी वन माइनस एक कितना है, एक सौ पैंतीस है, तो एक सौ पैंतीस प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ पर, टू एफ इक्वल टू, अब यहाँ पर कितना बचेगा, छः और एक सोलह, तो टू एफ यहाँ पर लिख देते हैं, टू एफ इक्वल टू सिक्सटीन है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, सिक्सटीन अपान टू, तो एफ इक्वल टू एट, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न का जो है कि हल करेंगे। तो
उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कहीं पर भी डाउट होगा तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग बारंबारता निकालेंगे। तो बारंबारता के दो टाइप के प्रश्न पूछते हैं, पहला तो आपका जो पहले मैंने बताया फार्मूला उस पर, और एक तो इस प्रकार से एक आप लुप्त कर देगा और वहाँ से निकालने को बोलेगा कि बारंबारता निकालिए। तो अब चलिए, आपको अगर कहीं पर भी डाउट होता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। अब अगले वीडियो में मिलेंगे। आपको कौन सा और टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट जरूर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।